फॉलो अप मैम ने बताया था, उसके थ्रू जो है सर हमने पूरा फॉलो अप लिया। पहले मुंबई जनरल जनरल को पहले वो सारी डॉक्यूमेंट्स दे दी जो जिसकी रिक्वायरमेंट थी, एंड फिर उसके बाद कॉल किया। फिर मैम से बहुत ज़्यादा हेल्प लिया मैंने, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और लास्ट जो फॉलो अप था वो मैम की तरफ से हुआ, तो उसके थ्रू से जी सर है सेटिस्फाइड। और मतलब लास्ट टाइम तक तो लगा था बहुत ज़्यादा टाइम होगा, बट हो गया तो सर। जा रहे हैं एक दोस्त की शादी में, तो वहाँ रास्ते में उनका जो है रोडवेज वाले ने टक्कर मार दी, तो वहीं के ऊपर जो है वो गिर गए और उनके ऊपर पहिया चढ़ गया, वहीं के ऊपर उनकी मौत हो गई। वही दुर्घटना बीमा कराया था तो उसी से हमको जो है बैग में जो है हमको मदद मिली है, 20 लाख रुपए मिले। अच्छा, तो आप संतुष्ट हैं इससे? नहीं, हाँ संतुष्ट है। पहले हम आपको दुर्घटना बीमा के बारे में बता देते हैं। दुर्घटना बीमा है कि हम अपने स्टेट बैंक के अकाउंट होल्डर को ये पॉलिसी देते हैं, जिसमें हम 1,000 रुपये में 20 लाख का कवर करते हैं साल भर का। अगर कोई कस्टमर हमारा 500 का पॉलिसी लेता है तो उसका 10 लाख का कवर होता है। और किसी भी तरह से कोई दुर्घटना होता है नेचुरल को छोड़ के, और कोई बीमारी से डेथ नहीं होती है, तो जो भी दुर्घटना में आता है उसके थ्रू अगर किसी की भी डेथ होती है तो इसमें हम लोग एक क्लिप देते हैं। और डॉक्यूमेंट्स में जैसे डेथ से रिलेटेड पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो FIR वगैरह होता है, यही सब डॉक्यूमेंट्स लगता है, इसके भी आप पे क्लेम सेटलमेंट होता है। डायरेक्ट वो ब्रांच में संपर्क करें, ब्रांच के थ्रू सारा काम हो जाता है। जो पेपर्स हैं जैसे पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है तो हॉस्पिटल से मिलेगा, या FIR वगैरह की कॉपी है तो थाने से मिलेगा, वो सारे पेपर यही बैंक से ही वेरीफाई हो जाते हैं, तो ज़्यादा दौड़ भाग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डॉक्यूमेंट्स में बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। अब आप कस्टमर का अभी आप बात करेंगे तो इनसे पता भी चलेगा कि बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जाता है जिसमें कोई कस्टमर को दिक्कत होती है।